भारत ने आज मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को दो रियासतों में तकसीम करने का ऐलान किया है, जिस पर रेहम खान ने अपने साबिक शोहर और वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में रेहम खान का कहना था कि हमारे कठपुतली वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर मोदी दोबारा इलेक्शन जीत गया तो मसला कश्मीर हल करने में मदद मिलेगी। ये है सियासी बसीरत सिलेक्टेड की, हो गया मसला हल। रेहम खान ने इस मामले पर पाकिस्तान की सफारती महाज पर तारीख की बड़ी नाकामी करार दिया है। रेहम खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका को भी तनकीद का निशाना बनाया और तंज करते हुए कहा कि हमें दौरा अमेरिका की कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए। ये दौरा सिर्फ समझौतों और आजकल नजर आने वाले चेहरों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तौसीक पर मबनी था। ख्याल रहे कि भारतीय पार्लियामेंट के इजलास में भारतीय वज़ीर दाखिला ने आर्टिकल 370 खत्म करने का बिल पेश किया। तजवीज़ के तहत गैर मुकामी अफराद मकबूजा कश्मीर में सरकारी नौकरियाँ हासिल कर सकेंगे। अद अज़ा भारतीय सदर ने आर्टिकल 370 खत्म करने के बिल पर दस्तखत कर दिए और गवर्नर का ओहदा खत्म करके इख्तियारात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिए हैं, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म हो गई है।